मुशाहिद उल्लाह खान साहब जी, चल जी मुशाहिद उल्लाह खान साहब जी, मुशाहिद उल्लाह खान साहब अभी आप जी प्लीज जी, मुशाहिद उल्लाह खान साहब, सेनेटर मुशाहिद उल्लाह खान साहब। नामदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। सिराज दुरानी साहब से बात शुरू होकर अरमान लूनी तक चली गई है। एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम अपोजिशन में इस तरफ ट्रेजरी बेंच पे लोग बैठे हुए हैं हुकूमत में, लेकिन ये तमाशा मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि अपोजिशन का बंदा खड़ा होता है और हुकूमत उसको इंटरप्ट करती है। नॉर्मली अपोजिशन ये काम किया करती है, लेकिन वो कुछ है। ये बात दुरुस्त है, शेर रहमान साहबा ने भी कही है कि ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से ले कर बेनज़ीर भुट्टो तक की कहानी है। मोहतरमा को भी यहाँ से कुछ अरसा कुछ फासले दूर पे ही बहुत ब्रूटली मर्डर किया गया था, शहीद किया गया था उनको, और ये ज़ख़म कोई अभी मुंदमिल नहीं हुए हैं, ये कल की बात लगती है। आप इस तरह के काम क्यों करते हैं? सिराज दुरानी साहब के ऊपर अगर कोई केस है बिल्कुल चलाएं आप, किसने मना किया है? आप तो बहुत सारे नवाज शरीफ पे भी चला रहे हैं, आप शहबाज शरीफ पे भी चला रहे हैं, हालांकि अदालतें आपसे कह रही हैं कि आपके मकासद कुछ और हैं। यह हाई कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, शहबाज शरीफ के केस में उन्होंने कहा है कि लगता है कि आपके मकासद कुछ और हैं, तो फिर सिराज दुरानी के भी केस में मकासद तो कुछ हो सकते हैं ना, ये भी आ जाएगा ऐसा ऐसा आपके। मैं उस पर बात नहीं इतनी ज्यादा करना चाहता था, मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूं उस्मान काकड़ साहब से कि अरमान लूनी साहब का कत्ल, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है क्या नहीं है इसको छोड़ दें, क्या वाकया हुआ है या नहीं हुआ है, कत्ल हुआ है या नहीं हुआ ब्रूटली, और क्या ये चीज छपी है पूरी दुनिया में या नहीं कि एक एसपी या एसएसपी ने खड़े होके उस वक्त कत्ल किया जब उसके छोटे मुलाजिम को उसने पहले कहा कि इसको मारो, उसने नहीं मारा तो फिर उसने खुद से मारा, फिर उसकी उसकी तड़पती हुई लाश को जो है हॉस्पिटल नहीं ले जाने दिया गया। ये तो सारी हकीकतें हैं। अब किस पोस्टमार्टम का इंतजार है? पोस्टमार्टम तो हर एक के होते हैं, पोस्टमार्टम में तो बड़ी गड़बड़ भी होती है, और फिर उसको बुनियाद बना के आप चीजों को लेजिटिमाइज नहीं कर सकते। जो मसलन जो इलेक्शन हुआ है वो सारी दुनिया के सामने, सारे अभी कल की बात है, फैफन ने लिखा है कि 95% 45 फॉर्म है ही नहीं, तो फिर कौन सा इलेक्शन है? दुनिया का कौन सा इलेक्शन है जो हुकूमतें गिराने के बाद बलूचिस्तान की हो? ये कल की बातें हैं ना, तो ये किसने गिराई थी? इसके भी आप जिम्मेदार से, आप कहते हैं हमसे पूछ के सब होता है, आप तो थे ही नहीं उस वक्त, तो आपसे पूछ के तो नहीं होता था ना। फिर जनाबे वाला मैं तेज से बात करना चाहता हूं, और मैं मजम्मत करता हूं अरमान लूनी के कत्ल की, जिस बेईमाना तरीके से वो कत्ल किया गया है उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इससे पहले ताहिर दावड़ के साथ भी यही सिलसिला हुआ था, और हम पोस्टमार्टम की रिपोर्टों का इंतजार करेंगे क्या? देखें ये इशू कोई हुकूमत या अपोजिशन का नहीं है, ये कौमी मसला है मेरे नजदीक। इसको इस लिहाज से ना देखें कि बलूचिस्तान का पठान क्या कहता है या केपीके का पठान क्या कहता है, या मरने वाला पठान है पंजाबी है या कौन है, पठान का है। लाड़काना में भी मरे 3-4 बाजोड़ से ताल्लुक रखने वाले मजदूर, उनका अभी तक नहीं पता लगा। तो मरने वाला तो मरने वाला है, उसमें कहां से पठान या बलोची आ गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरिट पे चीजों को देखें, ऐसी बात करें ही ना जिसको आप बाद में उसको डिफेंड नहीं कर सकते। मुझे आप बात बताएं कि क्या अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है एहतसाब? नहीं हो रहा ना, बुनियाद है ना, फंडामेंटल है एहतसाब के, इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर रेफरेंस भेजा जाएगा। कुछ लोगों के खिलाफ रेफरेंस मौजूद है, वह हुकूमतों में बैठे हुए हैं, कुछ लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं, कुछ लोगों के खिलाफ इंक्वायरी पे जो अपोजिशन के लोग हैं वो महीनों से जेलों में, इसको कैसे आप एहतसाब कहेंगे? फिर हकूमत को क्या हक हासिल है, या हकूमत को अहदेदारों को, वो ये कहें कि हम नहीं छोड़ेंगे किसी को,
आप होते कौन है छोड़ने या पकड़ने वाले? आपको आइन कहां पे इख्तियार देता पकड़ने या छोड़ने का? आप नैप के बड़े बड़े अहदेदारों से मिलते हैं, बड़ी पुरस्कार सी आपकी तस्वीर अखबारों में शाया होती हैं, सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, आप बुके देते हैं, आपके मिनिस्टर बुके देते हैं, पहले चीफ जस्टिस जो चला गया है वो तो खैर था ही आपकी पार्टी का अहदेदार, इसलिए कि उसको रिसीव किया था आपकी पार्टी के अहदेदार ने लंदन में, और फिर अगले दिन उसने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी उसके बारे में। तो उसने तो वो काम किया जो दुनिया की तारीख में कभी हुआ ही नहीं, वो काम कोई मजिस्ट्रेट सिविल जज ना करे, कोई छोटा अफसर ना करे कि वो लंदन जाए तो उसे एक पार्टी का अहदेदार रिसीव करे और अगले दिन वो उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। ये तो हुआ है ना जनाबे वाला कल, तो अब इसके बाद उसको हम क्या कहें? उससे इंसाफ मिल सकता है? उसी की वजह से आज नवाज शरीफ जेल में है, उसी की वजह से बहुत सारे लोग जेल में है। क्या उसने शेख रशीद की जाके कंपेन नहीं चलाई थी इलेक्शन में? क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को करप्ट बना के आपने अवाम के सामने खुद वोटे लेने के लिए ये सारा सिलसिला नहीं शुरू किया था? और आज आपकी अदालतें ये कह रही हैं कि आपके मकासद कुछ और थे। कल इसी अदालत के कुछ लोगों ने वो मकासद हासिल करने के लिए फैसले किए, आज दूसरे फैसले हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के जमहूरी जो राइट है उसको तो आपने सलब कर लिया ना। आप कहते हैं जी हम छोड़ेंगे नहीं, ना छोड़ें। हमने कब कहा है कि आप हमें छोड़ दें? आपने तो कहा है ना कि मैं उन्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा, तो पहुंचाएं तकलीफ। हमने तो बड़ी तकलीफें काटी हुई हैं, हमने टॉर्चर बर्दाश्त किए हुए, हमने जेलें काटी हुई हैं 15-15, 20-20 दफा। आप क्या, आपने एक दिन तक कभी तकलीफ नहीं उठाई और आप कहते हैं मैं इन्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा? वह है ना कि इधरा सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, पहुंचाए तकलीफ। देखते हैं आप कितनी तकलीफ पहुंचाते हैं और हम कितनी सहते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका मंतकी अंजाम जो होगा ना तो एक नहीं नजर आएगा, इसलिए कि भानमती का कुंभा है, सब तितर बितर हो जाएंगे। हम तो आज खड़े हुए हैं ना आपके, आप तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आपने दिया क्या है इस मुल्क को, इस मुल्क के आवाम को क्या दिया है? तकलीफें दी हैं, आंसू दिए हैं, उनकी अरमानों का खून किया है आपने, तजावजात के नाम पे लोगों को बेघर किया, लोगों को बेघर किया। आपने कहा था कि हम 50 लाख घर देंगे, ये 50 लाख घर दे रहे हैं, 7वां महीना है आपको। आप ये कहते थे कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे, लाखों लोगों को, एक करोड़ नौकरियां लाखों लोगों को। वो है ना कि जहाने कोहना के मफलूज फलसफा दानों निजाम नौ के तकाजे सवाल करते हैं, ये शराहें इसी वास्ते बनी थी क्या कि इन पे देश की जनता सिसक सिसक के मरे जी सर।